La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। इससे पहले कि मैं सजदा सहव को एक्सप्लेन करूं कि किन हालात में सजदा सहव हो सकता है और किन हालात में नहीं हो सकता, इससे पहले ये जानना की जरूरत है कि नमाज के फराइज क्या है और ये भी कि नमाज के वाजिबात क्या है। क्योंकि नमाज के फराइज में से अगर कोई फरीजा छूट जाए तो नमाज होती ही नहीं, सजदा सहव से काम नहीं चलेगा। जबकि जो नमाज के वाजिबात हैं अगर उनमें से कुछ छूट जाए तो फिर सजदा सहव कर सकते हैं। तो पहले जरा फराइज देख लेते हैं कि नमाज के छह फर्ज हैं, इन्हें अरकान नमाज भी कहते हैं। एक तो तकबीर तहरीमा का कहना, दूसरा कयाम करना यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना, यानी अगर कोई उज्र नहीं है वरना बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई भी जो भी सिचुएशन है वो कयाम की एक सिचुएशन होनी है। अच्छा, किरत करना यानी कुरान करीम की कोई सूरत या आयत पढ़ना, रुकू करना, दोनों सजदे करना, और कायदा अखीरा करना यानी नमाज के अखीर में जितनी देर अतहियात में लगती है इतनी देर बैठना। तो इन फराइज का हुक्म यह है कि अगर इनमें से एक भी जानकर या भूलकर छूट जाए तो नमाज नहीं होती, बल्कि जिस नमाज में कोई फर्ज अदायगी से रह गया हो उस नमाज को फिर नए सिरे से आपको पढ़ना जरूरी है।